सुंदरम भक्ति, सत्यम अंधकार में ना जीना, असत में ना जीना, सत की तरफ चलना, अंधकार मोह से अलग हो जाना ही सत्य है। मोह धृतराष्ट्र मोह को ही तो नहीं त्याग पाया, हिसाब घर द्वार परिवार ये सब था, आप नहीं थे तब भी था, हम आप नहीं रहेंगे तब ये सब रहेगा। जो शाश्वत है उसको पहचानने की कोशिश करें। तीर्थे क्षेत्रे सदा कार्यम स्नान दान जपादिकम, कागज हो तो कलम से एक चीज लिख लेना जो आपके बहुत ज्यादा काम में आएगी। तीर्थे क्षेत्रे सदा कार्य, भूल करके भी तीर्थ में जाओ और सुबह का सूर्य तीर्थ में निकलाए, भले ही 104 डिग्री बुखार क्यों ना हो, बिना नहाए मत रहना। वैसे तो तीर्थ में रह के कोई बीमार होता नहीं है, किसी को बुखार नहीं आता, तीर्थ की महिमा है, तीर्थ की महिमा। आप कहोगे वृंदावन में बीमार नहीं होते, हाँ बीमार में बीमार वो होंगे जो वृंदावन जैसे तीर्थ में रह करके भी 12 बजे जगते हों, ऊट पटांग खाते हों, वो बीमार होंगे। तीर्थ में समय से जगने वाला, समय से सोने वाला घर पर बीमार नहीं हो सकता, तो तीर्थ में कैसे हो जाएगा। तीर्थ में साधु जप कर रहे हैं और जप का ऐसा वाइब्रेशन उसके अंग को, उसके अंदर के सिस्टम को, सबको पावन कर रहा है, पवित्र कर रहा है। तीर्थ की महिमा है, तो बहुत बड़ी महिमा है। कितना सुंदर लिखा है, कितना बढ़िया लिखा है, तीर्थे क्षेत्रे, तीर्थ में जब आप जाए तो सत कार्यम, असत काम मत करना, गलत काम ना करना कभी, और स्नानम तीर्थ में बिना नहाए मत रहना। घर का 1000 बार स्नान और तीर्थ में एक बूंद सिर के ऊपर गिर जाए तो 1000 स्नान से बढ़कर के है। यदि वहां कोई नदी है, जलाशय है, सरोवर है, उसमें जरूर स्नान कीजिएगा। वर्णन क्या है, तीर्थ में भले ही थोड़ा करें, दान जरूर करें, भले ही एक माला जपें, जप जरूर करें। लिखा है स्नान दान जपादिकम, तीर्थ में जो स्नान करते हैं, जप करते हैं, दान करते हैं, अन्यथा रोग दारिद्रह, उनको जीवन में कभी दरिद्रता नहीं आएगी, उनको कभी रोग नहीं होगा, मृत्यु के बाद में दूसरा जन्म मिलेगा तो गूंगे बहरे बनकर पैदा नहीं होंगे। तीर्थ की इतनी बड़ी महिमा है, ये संपूर्ण बातें भगवान महादेव सुना रहे, और शिव के मुंह से निकली गई बातें तो बड़ी अद्भुत है। ये श्लोक एक बार फिर बोलूंगा, तीर्थे क्षेत्रे सदा कार्य स्नान दान जपादिकम, तीर्थ में जाकर के तीन कार्य जरूर करना, क्या क्या, स्नान दान और जप। अपनी माला झोली संग लेके जाया करो, आसन पंचपात्र संग लेकर के जा करो, ड्रेस हैं कपड़े ले जाते हैं 20 ड्रेस, पूजा पाठ का कोई सामान लेके नहीं जाते, चंदन की डिब्बी लेके जाओ, अपनी माला झोली लेकर के जाओ। यदि आपने गुरु बनाया हो, गुरु दीक्षा ली हो, तो अच्छे गुरु के चेले तो तभी हो, अपना आसन रखो, अपना पंचपात्र रखो, तिलक रोली चंदन लगाने की डिब्बी रखो, जपने की माला रखो, कंठ में तुलसी और रुद्राक्ष पहनो, पता लगे कि तुम सनातनी हो, धर्मावलंबी हो, भजनानंदी हो, पता लगे 1,00,000 लोगों में भी पता लग जाए कि हम सनातनी हैं और हम पक्के हिंदू हैं, हम राम कृष्ण की संतान हैं, ये पता लगे। आज मालूम ही नहीं पड़ता है बिल्कुल भी। अपनी पहचान बनाइए, परपक्व सनातनी बनिए, तीर्थों में जाएं, परिक्रमा में जाएं, प्रदक्षिणा में जाएं, तो ये तीन काम तीर्थ में जरूर करना, स्नान दान और जप, इन तीनों में कल्याण छिपाए। यदि ये नहीं किया तो अन्यथा रोग दारिद्रा, नहीं तो रोगी बन जाएंगे, दरिद्र बन जाएंगे, और मरने के बाद गूंगे बहरे बन करके पैदा होंगे। इसलिए ध्यान रहे इस बात के लिए, क्षेत्रे पापस्य करणम, क्षेत्र में किया गया जो पाप है वो तीर्थ में जाके कट जाता है।
अपने गांव मोहल्ले में, अपने क्षेत्र में, जिले तहसील में यदि कोई पाप हुआ है तो वह तीर्थ में जाके समाप्त हो जाता है। तीर्थ यात्रा इसलिए की जाती है। लेकिन तीर्थ में किया गया जो पाप है वो वज्र हो जाता है, वो कहीं कटने से नहीं कटता। इसलिए तीर्थ में जाकर के, तीर्थ में रहे ये कोई बड़ी बात नहीं है, तीर्थ में जाकर के अपराध ना करे ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तीर्थों में वही जाकर के बसेरा करे हमेशा हमेशा के लिए जो भजन कर सके, चुगली बुगली छोड़ सके। नहीं तो लोग तीर्थ में भजन कम करते हैं, दुनियादारी की बातें ज्यादा करेंगे। हमारे चार फ्लैट थे बिल्कुल एकदम, और चुटकी में यूं छोड़ करके चले आए बिल्कुल। बेटा कमाता था 3 लाख रुपया, एक मिनट में सब ऐसी भोट डोकरियां तुलसी वन आश्रम में, वो सुबह से लेकर शाम तक ऐसी बात करती रहती। हमारा तो एक लला दुबई में रहे, एक भटिंडा में रहे, एक बंगलोर में रहे। हमारी तो एक महीना की कमाई 9.5 लाख रुपया, हमारे पास काय चीज की कमी है? बस हम तो ऐसे ही चले आए। बहुओं के ऊपर तो मेरा ऐसा रौब चलता है कि एक डांट लगा दूं ना तो मूर्छित होकर के गिर जाए नीचे। नहीं ऐसा मत कीजिए,